आज की क्लास में देखने वाले हैं हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाइक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट के बारे में। ओवरऑल जो कंप्यूटर का ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है, इसके अंदर जितने भी भाग होते हैं उनको अपन आज के वीडियो में समझने वाले हैं। कंपोनेंट का मतलब हो गया, यहाँ पर मुख्य रूप से 6 घटक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, तीसरा होता है सीपीयू, फिर एएलयू, सीयू और मेमोरी। ये सारे इसके कंपोनेंट कहलाते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर जो दिया गया है, स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीजें आ रही हैं। इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और इस ओवरऑल पूरी तीनों यूनिट को मिलाकर सीपीयू कहा जाता है। सबसे पहले समझेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल यूजर के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस के बारे में ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आउटपुट डिवाइस के बारे में भी एक डेडिकेटेड अलग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, इसीलिए इसमें भी हम डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण भी हमने पढ़े हुए हैं, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, हेडफोन है। अब बात करेंगे सीपीयू की। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, यह कंप्यूटर के सभी कामों को नियंत्रित करता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह यूजर से प्राप्त डेटा को प्रोसेस करता है और इस डेटा को महत्वपूर्ण जानकारी में बदल देता है। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी बाहरी डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस को कंट्रोल और मैनेज करता है। जिस प्रकार मनुष्य के पास दिमाग होता है, बिना दिमाग के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है। सीपीयू की मुख्य रूप से दो यूनिट बताई गई है, पहला है एएलयू और दूसरा है सीयू। सबसे पहले समझते हैं एएलयू के बारे में। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना आदि अंकगणित के कार्य होते हैं। एंड, नॉट, नॉर आदि कार्य भी तार्किक होते हैं। अब बात करें सीयू की। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइसेस और उनके कार्यों को नियंत्रित करती है। इसके साथ साथ कंट्रोल यूनिट कार्यों को भी नियंत्रित करती है। यह मेमोरी और एएलयू के बीच हो रहे निर्देशों और डेटा के आदान प्रदान को कंट्रोल करने का कार्य भी करती है। अगला है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है इसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका काम डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करना होता है। मुख्य रूप से मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे डायरेक्ट प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं जो सीपीयू का एक हिस्सा होती है। सीपीयू में लगे होने के कारण इस मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी मेमोरी है इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, इसे प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो तरह की मेमोरी शामिल है, पहला रैम, दूसरा रोम। सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। यह भी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो सीधे प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस नहीं की जा सकती। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है और यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इस मेमोरी का उपयोग बड़े आकार वाले डेटा जैसे कि वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में यूजर डेटा को आसानी से स्टोर कर सकता है और उस डेटा को पुनः प्राप्त कर सकता है। इस मेमोरी का उपयोग स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है।